हाय गाइस, दिस इज योर बॉय दीपांशु AKA योर ड्रीम्स। सो गाइस, थोड़ी दिन पहले ही मैंने एक DOV पर वीडियो बनाया था और ये जो वीडियो है ये उसका एक अल्टरनेटिव है। सो इसे जाना जाता है नॉर्मली चीमिया नाम से, बट इट्स ओरिजिनली स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी। नाउ व्हाट इज चीमिया, कैसे अप्लाई किया जाता है, कितना कॉस्ट आता है, क्या ड्यूरेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम चीमिया की बात करें तो चीमिया इज एन गवर्निंग अथॉरिटी जो आपके स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी इशू करती है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको DOV का, आपका जो फॉरेन एजुकेशन है वो इटालियन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समराइज होता है, वैसे ही चीमिया जो है वो भी आपका जो फॉरेन एजुकेशन जिस भी कंट्री से आपने परस्यू किया है उसको इटालियन कॉन्टेक्स्ट, इटालियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग समराइज करना। सो दोनों का ही काम सेम है और दोनों ही एक्सेप्टेबल है सारी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो ये सॉर्टेड होता है। अब चीमिया जो है दोस्तों ये आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और DOV के लिए आपको या तो एम्बेसी जाना पड़ेगा या फिर आप VFS सेंटर जाकर करवा सकते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि या DOV करवा ले या चीमिया करवा ले, बट अप्लाई कैसे किया जाता है ये चीमिया सर्टिफिकेट के लिए, तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाना चाहूँगा, तो चलिए अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। ऑलराइट, सो गाइज, ये जो पेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है चीमिया का होम पेज और आप जानने वाले हैं हम कि चीमिया के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको जाना है क्लिक हियर टू एक्सेस द डिप्लोमा पेज। यहाँ से आप करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पर आप अपना नेम, सरनेम और ईमेल आईडी पुट करेंगे एंड देन जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको आपके ईमेल पर ऐसा कुछ ईमेल आने वाला है जिसमें आपका यूजर नेम होने वाला है और आपको पासवर्ड मिलने वाला है। सो ये यूजर नेम को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट, फिर वापस से हम डिप्लोमा पर जाएंगे इस पेज पर और यहाँ से हम करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर हमारा जो हमें ईमेल पर आया है, ये आई एम नॉट अ रोबोट, एंटर। सो ये पेज आपके सामने सबसे पहले इनिशियली ओपन होगा। तो अकाउंट में जाके यहाँ से भी अपग्रेड टू फुल अकाउंट कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, या तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो ये एक्सेस टू फुल रजिस्ट्रेशन करा के वही काम कर देगा। तो आपको मैं इजीली बता देता हूँ, आप यहाँ पर अपग्रेड टू फुल अकाउंट करिएगा जिसमें आप आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह सब एंटर करते हैं। अब हम ऑलराइट, सो गाइस, ये सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी। यहाँ पर आप आपके डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर एंड एड्रेस पुट करेंगे एंड अपग्रेड टू फुल अकाउंट, डन। ऐसा आपका वॉलेट आ जाएगा, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। नाउ अब हमें करना है कंपैरेटिबिलिटी पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जानना हो तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहले ही बता दिया गया है कि अगर ऑर्डिनरी प्रोसीजर लेते हो जो कि 150 यूरो का रहेगा तो उसमें आपको 13 वर्किंग डेज तक का टाइम पीरियड लग सकता है, और अगर अर्जेंट प्रोसीजर जो कि 250 यूरोस का होता है उसको लोगे तो आपको 15 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड लग सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो जानना आपके लिए ज़रूरी है जिससे हमें ड्यूरेशन और कॉस्ट पता चल जाती है चीमिया करवाने की। अब हम करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर। तो यहाँ से अब हमें डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अपलोड करना, तो IND इंडिया लिखेंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा एक्चुअली में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। सो गाइस, जैसे ही आपकी यहाँ पर आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाता है, पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको आना रहता है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पर एड न्यू डॉक्यूमेंट करना है और यहाँ पर आपको आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कि आपका पासपोर्ट होने वाला है उसकी डिटेल्स डालनी है। जैसे यहाँ पर पासपोर्ट लिख सकते हो आप, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में भी पासपोर्ट आ जाएगा, इशूइंग कंट्री में इंडिया आ जाएगा एंड इस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं अपना पासपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, डन, ठीक है, ये अपलोड हो गया आपका। इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जैसे कि आपको क्वालिफिकेशंस। फिर आप क्वालिफिकेशन वाले कॉर्नर पर आते हैं और यहाँ पर आपको आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट्स है, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है 12th का, ये सारी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे और यहीं पर आप डॉक्यूमेंट का नेम लिखिएगा, ग्रुप सिलेक्ट कीजिएगा, पहले सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन की ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा अगर आपके पास है तो। फिर उसके बाद आप जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। इसके बाद जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे फिर उसके बाद आपको जो है एक कॉन्सेंट फॉर्म,
ये कॉन्सेंट फॉर्म आपको जो है फिल करना रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस दो टिक मारने, आपका नेम और सरनेम लिखना है, डेट लिखनी है और सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। जैसे कॉन्सेंट फॉर्म आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको जो है फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 150 यूरोस का अमाउंट पे करना रहेगा। तो बड़ी सिंपल प्रोसेस, आप इजीली कर सकते हो इसको। ऑलराइट सो गाइस, इस तरीके से आप चीमिया के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, काफी सिंपल है। 150 यूरो का अमाउंट आपको पे करना रहेगा एंड इसके बाद आप मान के चल सकते हैं 2 to 3 weeks में आपको जो है एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा एंड इस सर्टिफिकेट के बेस पर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीजा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए रहेगा DOV और चीमिया का ये सर्टिफिकेट। सो आई होप कि ये वीडियो यूजफुल रहा हो, और यूजफुल रहा है तो यू नीड टू गिव इट अ थम्स अप, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।